देश दुनिया के इतिहास में 3 जून का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिलने समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक पंडित बाल कृष्ण भट्ट का जन्म आज ही के दिन 1844 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, न्यायविद और लेखक हरबिलास शारदा का जन्म आज ही के दिन 1866 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले कवि जी शंकर कुरूप का निधन आज ही के दिन 1901 में तिरुवनंतपुरम में हुआ था। आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। 1918 में आज ही के दिन इंदौर में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हिंदी को राजभाषा माना गया। भारत में ऐतिहासिक रेल हड़ताल कराने वाले और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म आज ही के दिन 1930 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला न्यायाधीश रही रूमा पाल का जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था। आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश शासन में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। 1959 में आज ही के दिन सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया था। इससे पहले ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। आज ही के दिन 1962 में एयर फ्रांस का एक निजी विमान बोइंग 707 पेरिस के ओरली हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1972 में आज ही के दिन भारत के पहले आधुनिक युद्धक पोत नीलगिरी को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जलावतरित किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन आज ही के दिन 1974 में हुआ था। आज ही के दिन 1994 में भारत सहायता क्लब का नया नाम भारत सहायता मंच किया गया था। श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल का निधन आज ही के दिन 1994 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। 2005 में आज ही के दिन फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का अपना समर्थन दोहराया था। आज ही के दिन 2008 में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने उपचुनाव में करारी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर रिफंड को दी गई मंजूरी वापस ली थी। आज ही के दिन 2008 में जापानी प्रयोगशाला के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का डिस्कवरी यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का एक सड़क हादसे के दौरान 2014 में आज ही के दिन निधन हो गया था। पूर्व अमेरिकी पेशेवर बॉक्सर मोहम्मद अली का निधन आज ही के दिन 2016 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।